नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों, केरला हाई कोर्ट का जो पेंशन अपडेशन का केस अभी तक पेंडिंग है, तो इसके बारे में हमारे जो रिटायर्ड साथी है CNN वेणुगोपाल जी, उन्होंने बताया है जो केस जो पेंडिंग था 1/4/2022 में, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। ना ही कोर्ट इसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं दिए, ना ही कोर्ट इसके बारे में कोई भी डेलीगेशन दिए, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में दिया हुआ है लास्ट लिस्टेड बाय 1/4/2022। इसके बारे में CNN वेणुगोपाल जी बहुत चीज बताया, MK रविंदरन जी और उसके साथ साथ जो अपडेटिंग ऑफ पेंशन इज कवर्ड बाय पिटीशन 29890 ऑफ 2018 एंड 41327 ऑफ 2018 इन द नेम्स ऑफ MK रविंदरन एंड C गोकुलराज रेस्पेक्टिवली। और आर्गुमेंट इस टाइप से ही शुरू होता है, केस लिस्टेड था 1/4/2022 में, ना ही हमारे केरला हाईकोर्ट इसके बारे में कोई भी जजमेंट दिया है, ना ही इसके बाद और कौन सा दिन में इसका जजमेंट सुना जाएगा इसके बारे में कोई भी स्पष्ट करके कोर्ट बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, केरला हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। जैसे आप लोगों को पता है RBI मॉडल में पेंशन देना स्टार्ट हो गया RBI एम्प्लॉय को, तो क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक में पेंशन नहीं शुरू होगा RBI का मॉडल में। उसके साथ साथ CNN वेणुगोपाल जी और एक चीज बताए, 100% जो DA न्यूटिलाइजेशन है, इस 100% DA न्यूटिलाइजेशन में हमारे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी UFU और IBA की यूनियन 100% DA न्यूटिलाइजेशन को लेके एक भी बात अभी तक नहीं बताया है, ना ही IBA लीगल सर्कुलर कोई भी आए है 100% DA न्यूटिलाइजेशन के बारे में। सो CNN वेणुगोपाल जी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन अगर जो कोर्ट है, कोर्ट ही नेक्स्ट जो डेट है वो नहीं देता है, तो CNN वेणुगोपाल जी क्या कर पाएंगे। लेकिन CNN वेणुगोपाल जी अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।